नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। आजमगढ़ की अतरौड़िया से खबर है, जहां बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बता दें कि थाना क्षेत्र के मदियापार स्थित प्राथमिक विद्यालय के बगल में बुधवार सुबह एक लगभग 95 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौके पर थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और अज्ञात बुजुर्ग के शव की पहचान करने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग के शव की पहचान अरेला थाना क्षेत्र के पखनपुर गांव निवासी 95 वर्षीय बुजुर्ग सीताराम पुत्र जियाऊ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग बढ़िया बाजार स्थित अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था, जो अपने घर पखनपुर जाने के लिए निकला था कि बुधवार सुबह उसकी लाश विद्यालय के बगल में मिली। पुलिस ने मृतक के परिजनों को जानकारी देकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक के पास एक ही पुत्र सिरनाथ था, जो परिवार की देखभाल करता था। मृतक के बेटे ने बताया कि 8 दिन पहले मेरे पिताजी बढ़िया स्थित मेरी बुआ के यहाँ गए हुए थे। घर वापस आते समय उनका शव विद्यालय के बगल में मिला। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया है। थानाध्यक्ष सविंद्र राय ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भैया आपका? श्रीनाथ। कहाँ घर है? पोखरपुर। ये जो बॉडी मिली है, लाश मिली है, ये कौन है आपको? हमारे पिताजी है। क्या नाम है इनका? सीताराम। क्या हुई घटना, आप इसके बारे में जानते हैं, कैसे हुई इसके बारे में बताइए। अपने बहन की जात रहन है। आपके घर से, आपके घर से कब कब गए थे, क्या बता के गए थे? हमारे हमारे घर से आज 8 दिन भैया निकल ले। कहाँ गए थे? अपने अपने बहन की यहाँ। आपको कैसे सूचना मिली कि वहाँ पे ऐसी स्थिति में पड़े हैं, कैसे सूचना मिली आपको? जो अपने वही समय खबर मिली है, हाँ, गांव के लोगों से। वो गिर गए हैं, क्या बोला था, अपने यहाँ पे मदियापार में। तो जैसे बताया जा रहा था कि आपके आपके पिता आपके पास रहते थे, हाँ, कैसे करते थे आप इसके बारे में बताइए। हम अरे हमारे पिताजी हमारे लग में रहते थे, उन्हें खाना पीना सब कुछ हम देते थे। अकेले आप ही हैं कि और कोई आपके परिवार में? नहीं, अकेला है हम। ये क्या नाम है आपका, कहाँ से निवासी हैं? मेरा नाम है डॉक्टर यस मोहम्मद, मैं गौरख निवासी हूँ। बता रहे हैं सर, मैं जो है यहाँ हमारे मित्र हैं हरिनाम सोना, उनसे मिलने आए तो हम दोनों भाई मिल करके आप बात कर रहे हैं। तो एक लड़का आया, बोला कि कोई आदमी जो है कि मरा है, कैसे है, वो मुख के बगल जो है गिरा हुआ है। इसके बाद हम तीन आदमी आने के बाद ये भाई साहब आ गए, ये भी आ गए। तो हमने कहा कि भाई बॉडी को कोई छूना मत, दूर से आप लोग देखिए। इसके बाद चौकीदार को बुलाया गया जो यहाँ के हैं, तो वो जो है कि सीधा किए, फिर उनका हम फोटो लिए अपने मोबाइल से। इसके बाद इधर उधर मैं घुमाने लगा कि मतलब कहीं से भी कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद यहाँ ग्राम प्रधान जो है गफ्फार हैं, उनको बुलाया गया, उनके भाई आए, वो लोग भी देखे। देखने के बाद कोई शिनाख्त नहीं मिल पा रही थी। कैसे शिनाख्त हुई, कुछ जानकारी है क्या? हाँ, इसमें अभी जो वर्तमान में खबर मिली है कि एक ग्राम पोखरपुर का रहने वाला प्रजापति है। पहले भी कुछ जमीन उमीन वगैरह सब बेच दिया है लड़के लोग इससे जो अंशुश हैं, और ये जो है कि अपने लड़की के यहाँ बढ़िया कहीं है तो उधर से उधर ही रहते होते थे, कल उधर से आए हैं तो कोई आदमी जो है इनको 100 रुपया दिया कि आप 100 रुपया लेके आप घर जाइए। वह आदमी यहाँ से आया मदियापार आया तो बोला कि हमको गौरा जाना, सिंगोरा जाना, पोखरपुर जाना, पता कुछ नहीं है क्लियर। इसके बाद जो है कि कोई ऑटो वाला है, उसके ऑटो में बैठ गया, वहाँ सोया। ऑटो वाला जो है उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसी में सुलाया। सुबह में वो आदमी आया है करीब 6। आपके कहने का मतलब है कि घर से ऐसे घूमते रहते? हाँ, घूमते रहते थे। अभी आई पुलिस? क्या पुलिस आई है, बॉडी लेके गई।